वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। टुडे आई विल टीच यू लेसन 4 अ विजिट टू कैम्ब्रिज। नेक्स्ट पैसेज आइए और देखते हैं। आई हैवेंट बीन ब्रेव, सेड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस। सेड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस। आई हैवेंट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं हूँ, कहा इसने उसकी डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस, उसके अशरीर कंप्यूटर आवाज़ ने कहा कि मैं बहादुर नहीं हूँ। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगले दोपहर के बाद। आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। श्योरली आई वॉन्टेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विथ द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेशन बॉडी वॉज अ चॉइस। श्योरली निश्चित तौर से, आई वॉन्टेड टू से मैं कहना चाहता था कि लिविंग क्रिएटिवली इस रचनात्मक सच्चाई के साथ जीना कि आपका शरीर कभी काम नहीं करेगा, क्या आपकी च्वाइस थी। बट आई केप्ट क्वाइट, परंतु मैं केप्ट क्वाइट बिल्कुल शांत रहा। बिकॉज क्योंकि आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, प्रत्येक समय मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। आई स्पोक टू हिम, जब मैं उनसे पूछता, फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, और उनसे उत्तर पाने के लिए दबाव डालता। देयर ही वाज, वह वहाँ थे, टाइपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, टाइपिंग अ लिटिल स्विच इन हिज हैंड, अपने हाथों से एक छोटी सी बटन को दबाते। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड, शब्दों को खोजने का प्रयास करते। ऑन हिज कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर पर। विद द वनली बिट ऑफ मोमेंट लेफ्ट टू हिम, कुछ क्षणों में उनको पाने के बाद। हिज लॉन्ग पेल फिंगर, अपनी लंबी पीली उंगलियों के द्वारा उस कंप्यूटर के माध्यम पर से शब्दों को ढूंढने का प्रयास करते। एवरी सो ऑफन हिज आईज वुड सर्च एंड फ्रस्ट्रेट एग्जॉस्टेशन। एवरी सो ऑफन, प्रत्येक समय हिज आईज, उनकी आंखें उड सर्च बंद हो जाया करती थी, फ्रस्ट्रेट निराशा और थकान के कारण। एंड सिटिंग अपोजिट हिम, अपने सामने मुझे पा करके, आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं उनकी पीड़ाओं को, एंग्विश माने पीड़ा कष्ट, उनकी पीड़ाओं को महसूस कर सकता था। द माइंड बाइंड विद थॉट, उनका मस्तिष्क विचारों से भरा हुआ था। दैट केम आउट, और जो बाहर निकलता, और फ्रोजन फ्रेज छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, वाक्यांश के रूप में। एंड सेंटेंस सेंटेंस स्टिफ, सेंटेंस में कठोर होते थे, जैसे कि अ कॉर्प्स, डेड बॉडी, शरीर, मृत शरीर की तरह जो है आप वाक्य कठोर निकलते थे। ए लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक, बहुत से लोग सीम टू थिंक, सोचते थे कि दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, कि अपाहिज लोग बहुत दिनों तक नाखुश रहते हैं। आई सेड, मैंने कहा, आई नो दैट नॉट ट्रू माई सेल्फ, मैं जानता था कि यह मेरे लिए सत्य नहीं था। आर यू ऑफ एन लॉफिंग इनसाइड, क्या आप कभी हंसे थे। अबाउट थ्री मिनट लेटर, अबाउट 3 मिनट के बाद ही रिस्पॉन्ड, उन्होंने उत्तर दिया। आई फाइंड अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनिज मी, आई फाइंड लव अम्यूजिंग, मुझे आनंद आता था जब लोग मुझ पर दया दिखाते थे, मुझे आनंद आता था
जब लोग मुझ पर दया दिखाते थे।